मजीब रहमान कहते हैं भुट्टो साहब को कि यार भुट्टो तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, उधर तुम और इधर हम, और वो तुमने कर दिखाया, हो गया अब तुम खुश हो। लेकिन शेख मुजीब रहमान अंदर बंद है और अंदर वो रो रहा है, चीखे मार रहा है और मुक्के मार रहा है अपने मेज पर, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, गिर के कह रहा है। सजदे में गिर के। तो ये अल्लाह मियाँ से कह रहा है कि या अल्लाह, रोता भी जाता है और ये कहता है कि ये तो मैंने कभी नहीं चाहता। वाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। आज एक ख़ास मेहमान को आपके सामने लेके आने लगे हैं। जिस वीडियो का आज तذکرہ करने वाले हैं वो बहुत अहम है और इससे पहले शायद वो कोई बात नहीं जानते थे। और जिस वीडियो पर आज रिएक्शन देने वाले हैं वो है शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई, जब 1971 में पाकिस्तान दोलख्त हुआ, टूट गया, डाका फॉल हो गया। तो उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को उससे पहले अरेस्ट किया गया था और उसको एक ख़ास तहवील में ले लिया गया था क्योंकि उनकी जान को ख़तरा था ये कह के। और पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो शायद बंगाल के अंदर या पाकिस्तान के अंदर उनको ले आए थे। तो तब उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई, शेख मुजीबुर रहमान क्या जानते थे, क्या शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि बांग्लादेश टूटे या वो चाहते थे कि बांग्लादेश अलग हो, उनके क्या जज्बात थे, ये एक पाकिस्तानी फौजी के, एक पाकिस्तानी ऑफिसर के मुंह से आज हमें ये बयान सुनने को मिलेगा। और आज हमें पता चलेगा कि शेख मुजीबुर रहमान कितने मुखलस थे पाकिस्तान के साथ, क्या पाकिस्तान की जमातें चाहती थी कि बांग्लादेश अलग हो जाए, जो रवैये इख्तियार किए जाते थे क्या शेख मुजीबुर रहमान भी ये चाहते थे कि पाकिस्तान अलग हो या उनको इक़्तदार में अलग मिले। ये तो उनका राइट्स था कि पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर बनते, लेकिन ये हक उसको नहीं दिया गया। और जब जंग के बाद ये सारा वाकया हुआ, जब पाकिस्तान अलग हुआ, तो बांग्लादेश का सुन के शेख मुजीबुर रहमान के क्या तासुरात थे और बांग्लादेश के बारे में शेख मुजीबुर रहमान कितना जानते थे और क्या चाहते थे, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएँ ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो की तरफ चलते हैं, 1 2 3 गो। तो चश्मा बैराज में फिर जगह देखी, वो वहां पर हमें ले गए चश्मा बैराज। शेख साहब को कुछ पता नहीं, शेख मुजीबुर रहमान को कि सरेंडर हो चुका है, कुछ पता नहीं। ढाका में बस सिर्फ उनको ये बताया कि शेख मुजीबुर रहमान तमाम वाकयात से बेखबर थे। ठीक, तो वहां पर पहले तो शेख साहब को ये थी ना कि मुझे फांसी देने लगे, ठीक है, फिर उन्हें तसल्ली हो गई, संभल गए, खाना पीना ठीक है, वहां पे चले गए, वहां फिर हम कुछ दिन रहे। उसके बाद ये फैसला हुआ कि इन्हें सियाला रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया। फिर हमें बदरी हेलीकॉप्टर सियाला में शेख साहब गए, शेख साहब, शेख मुजीबुर रहमान, हाँ। शेख अब्दुल रहमान, हाजा तुफैल, मैं और कोई 15 और भी जो हमारे साथी थे जिन्होंने वहां सिक्योरिटी ड्यूटी दे दी थी, उनको लेके हेलीकॉप्टर के जरिए हमें सियाला। आप भी हेलीकॉप्टर में थे? हाँ जी। तो हम रात के टाइम पर सियाला पहुंच गए, वहाँ चूंकि सियाला मेरा देखा बाला था, इंटर किया, अपर किया, लाइन कोर्स किया, दूसरे तीसरे कोर्स किए, तो बड़े, तो वहां पर हमें बोले गए ऑफिसर्स मेस जो है ना हॉस्टल, यहाँ पर एएसपीज वगैरह अंडर ट्रेनिंग होती है ना, उनके लिए अकेला था हॉस्टल है। ठीक, ऊपर जाकर प्रिंसिपल की कोठी के करीब, तो वहाँ एक कमरे में शेख मुजीबुर रहमान साहब को तकरीबन वो इधर सिटिंग एरिया मतलब ड्राइंग रूम है बहुत बड़ा, और उसके साथ किचन है, और साथ ही उनका एक कमरा था, पहला कमरा, उसमें उनको पहला कमरा क्यों रखा, वहां से उन्होंने हमने वायरिंग के जरिए किचन के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग कर दी थी, इसलिए पहला कमरा उनको दे दिया। ठीक। अब एक दो चेयर्स हमने बनाई, चेयर्स थी बाजू वाली बड़ी मतलब कढ़ाई वगैरह हुई और ऊपर उनके ऊपर नीचे कपड़ा लगा हुआ था, वो उनके अंदर ट्रांसमीटर फिट थे, दो तैयार की, एक हमने अंदर रख दी मैंने, दूसरी हमने बाहर रखी थी रिजर्व। तो रिकॉर्डिंग किस चीज की करनी थी आपने, शेख साहब के साथ तो कोई बोलने वाला था नहीं, शेख साहब के अंदर जो है हिलना जुलना। अच्छा, अभी ये फैसला हो रहा था ना कि भुट्टो ने आना है। अच्छा, तो कई चीजें आनी थी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक और साथ ही बताता जाऊँ कि वो जो कहते हैं ना कि 11 केसेट्स हैं, ठीक, एक मशहूर है कि वो खार साहब लेके बाहर चले गए थे, ठीक, वो हकीकत है। अच्छा, वो ठीक है, वो वही केसेट्स हैं जो वहां पर रिकॉर्ड हुई थी, यानी कि रिकॉर्डिंग एग्जिस्ट करती है, शेख मुजीबुर रहमान की नकलो हरकत और भुट्टो साहब से उनकी गुफ्तगू, उनका सोना, उनका उठना, उनका नमाज पढ़ना, उनका खांसना, उनका रेडियो सुनना, ये सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड, और भुट्टो साहब से उनकी गुफ्तगू, भुट्टो की बात, हाँ, भुट्टो की जो है ना वो भी वहां पर, आप रेडियो मिल गया था उनको,
मैं वो भी बताता हूँ। अभी भुट्टो साहब आ जाते हैं, हमें इतला मिली कि जी भुट्टो साहब मिलने के लिए आ रहे हैं। मुझे कहा गया कि तुमने पर्दे के पीछे खड़े हो जाना रिवॉल्वर लेके, कहीं भुट्टो को मार ना दे, खतरा था ना कि गले पड़ेगा, वो बताएगा ये गले पड़ेगा। अब मैं पर्दे के पीछे मुसल्ला खड़ा हूँ, बिल्कुल रिवॉल्वर लोडेड है, गोली चैम्बर में पड़ी हुई है। भुट्टो साहब आए हैं, इस तरह सोफा है, शेख मुजीब बैठ गए और वो भुट्टो साहब भी बैठ गए। तो वो पहले ही पूछते हैं, कहता है भुट्टो साहब आप कैसे, आप कैसे, आपको कैसे इजाजत दे दी गई। अब मैं इसलिए अंग्रेजी नहीं बोल रहा ना, अंग्रेजी किताब के ये तमाम साहबान साहब, कि आपको किसने इजाजत दे दी। तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। भाई तुम कैसे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान फाल हो गया, ईस्ट पाकिस्तान फाल हो गया, इंडिया ने फतह कर ली। तो इधर जो पाकिस्तान में मैंने याया को उतार के, तो मैंने खुद अपने में बन गया। शेख मुजीब एक दब जैसे ना उसको स्प्रिंग लगा था, उछल के खड़ा हो गया गुस्से में, कहता हाउ डेयर, हाउ इट इज पॉसिबल, आई एम मेजॉरिटी लीडर, यू आर यूजर पर, ये अल्फाज थे, यू आर यूजर पर, आई एम मेजॉरिटी लीडर, तुम कैसे बन सकते हो प्राइम मिनिस्टर, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, अभी मुझे रेडियो पे टीवी पे ले चलो, अभी मैं अपने बांग्लादेश वालों को, बंगाल वालों को कहता हूँ, अभी फैसला हो जाता है, मैं तकरीर करता हूँ, सुबह पाकिस्तान उसी तरह ईस्ट पाकिस्तान रहेगा, ये अल्फाज। वाह फोटो, क्या बात है, ठीक है देखा जाएगा, कर लेते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जी सर वो जज्बे से उठ खड़े हुए, तो उसके बाद फिर उन दोनों ने आपस में थोड़ा सा रिलैक्स हुए, तो बैठ गए सोफे के, बैठ हुए सोफे पर बैठ गए, तो शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं भुट्टो साहब को कि यार भुट्टो तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, उधर तुम और इधर हम, और वो तुमने कर दिखाया, हो गया, अब तुम खुश हो। और राय साहब मजीद इस गुफ्तगू में क्या हुआ, आपने क्या सुना, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नजर में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। राजा अनार खान साहब हमें बता रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और शेख मुजीबुर रहमान साहब की मुलाकात का अहवाल। जी राजा, तो शेख मुजीबुर रहमान साहब जो है ना वो भड़क के उठ खड़े हुए और गुस्से में लाल पीले। उन्होंने कहा ये तुम कैसे कैसे, तो मेजॉरिटी लीडर मैं हूँ। फिर ये भी कहा कि मैं अभी मुझे टीवी रेडियो पे ले चलो, अभी मैं तकरीर करता हूँ, मैं देखता हूँ कौन इस तरह की हरकत करता है। उन्हें एक और भी जबरदस्त है कि मुझे ताजुद्दीन पे ये खतरा था कि वो ये बदमाशी करेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें होती रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे टीवी भी दो, रेडियो दो, अखबारें दे दो। बट उन्होंने कहा ना कि आपकी कोई डिमांड है बताएं क्या क्या मैं कर सकता, कि मुझे रेडियो दे दो, टीवी दे दो और दे दो अखबारें वगैरह। डॉक्टर कमाल उस वक्त नौशहरा में था कि डॉक्टर कमाल को मेरे पास भेजो। डॉक्टर कमाल से पहले कोई मुलाकात नहीं हुई थी उनकी? ठीक। अब वो डॉक्टर कमाल जो है ना वो दूसरे तीसरे दिन आर्मी वाले उसको लेके आ गए नौशहरा से। नौशहरा से अब यहाँ पर ये हुआ कि जब डॉक्टर कमाल आया, अब मुलाकात खत्म हो गई, भुट्टो साहब ने तसल्ली दे के इधर चले गए और ये चीजें भिजवा दी। ठीक। ये एक आर्मी का कर्नल लेके ये चीजें आ गया, ये उनको डिलीवर कर दिया हमने। अब वो अंदर एक चेयर जो थी, उस चेयर में जो ट्रांसमीटर था वो ऑफ हो गया, उसमें कोई गड़बड़ हो गई। अब उसको चेंज करना था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान अंदर बंद है और अंदर वो रो रहा है, चीखे मार रहा है और मुक्के मार रहे अपने मेज पर, पता नहीं क्या क्या कर रहे। यानी जब भुट्टो साहब चले गए तो उसके बाद उस पर ये असर हुआ, ये असर था। अब ये कि अंदर कोई चेयर कौन वहां से लाए। आखिर बड़ी मुश्किल से मैंने आवाजें दे दे के, मतलब नाक कर करके कि बाबा दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, दरवाजा खोला। तो मैंने उनको थोड़ा सा पेसीफाई किया, मैंने कहा कि आप ऐसे करें, थोड़ा सा आप वाशरूम में मुंह धो लें। वो वाशरूम में मुंह धोने के लिए गया, मैंने चेयर उठा के बाहर वाली अंदर आ गई। अब उसके बाद वो सारी रिकॉर्डिंग है कि उसकी मतलब नमाज में चला गया, तो साबिन अल्फाज उसके ये थे जो मेरे, यानी जो हमारा ऑपरेटर था ना, ये उसके अल्फाज, ये उसने कहा कि वो ये कह रहे अपने बंगाली में कि या अल्लाह ये मैंने तो ये कभी नहीं चाहता, या अल्लाह ये मैंने तो कभी नहीं चाहता। सजदे में गिर के तो ये अल्लाह मियां से कह रहा है कि या अल्लाह
रोता भी जाता है और ये कहता है कि ये तो मैंने कभी नहीं चाहा था, अब आ गया। डॉक्टर कमाल आ गया, डॉक्टर कमाल आया, मिला, खुश हो गया। तो कहता है कमाल को, आओ मैं तुम्हें ना शेख जहांगीर जो हमारे सब, अच्छा शेख अब्दुलरहमान साहब शेख जहांगीर के नाम से सुप्रिंटेंडेंट जेल बने हुए थे, ठीक, ये उनसे मिला। अब वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, आखिर में जाके कमरा था, ख्वाजा तुफैल साहब का भी साथ। तो वहाँ जाके उनको कहता है कि शेख साहब ये देखे कमाल आ गया। कहता है कमाल तुम, मैं तुम्हें तारफ़ कराऊँ, ये शेख जहांगीर हैं सुप्रिंटेंडेंट जेल। उन्होंने कहा कहाँ ये शेख जहांगीर है, ये तो शेख अब्दुलरहमान है, एसपी स्पेशल ब्रांच। तो वो कहता है शेख साहब ये क्या, आप क्या हैं, ये हैं कि वो हैं। उन्होंने कहा मैं स्पेशल ब्रांच का एसपी स्पेशल ब्रांच हूँ, मेरा नाम असल में शेख अब्दुलरहमान है, ये आपके पास मैं शेख जहांगीर बना हुआ था। उस वक्त ये राज खोला ख्वाजा तुफैल साहब का, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं इनका नाम ख्वाजा तुफैल ही है और ये भी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट नहीं है जेल, ये भी डीएसपी स्पेशल ब्रांच। तो उसका पहला लफ्ज क्या था कि वो नाटी बॉय क्या है। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं इंस्पेक्टर हो गया था, मेरे ऑर्डर आ चुके थे। उन्होंने कहा कि वो पुलिस का सब इंस्पेक्टर है और वो शाही किले में पहुंच गए, कहते बुलाओ। अब वो पुलिस जो आर्मी के कमांडो उनको भेजा के उसको ले गया, अब मैं नहीं जाता, मुझे खींच खाँच के ले, अब शर्मिंदगी है बैठे हुए, मतलब अजीब सा महसूस होता है कि अब कैसे उसको फेस करें। बहरहाल मैं चला गया। वो इसी तरह एक कुर्सी थी सामने कॉर्नर में, वहाँ वो गालबन डाइनिंग की थी, शायद मुजीब उस पर बैठे हुए थे। तो मैं, मुझे कहता है कि नाटी बॉय व्हाट यू आर, व्हाट्स योर नेम, मेरा माई नेम इज अनार खान, यू आर नॉट राजे खान। मैं कहता हूँ सर तुम हो क्या। मैंने कहा जी मैं इंस्पेक्टर हूँ स्पेशल ब्रांच, कहाँ पहुँचते मैं शाही किला, और शाही किले वाले को तो गालियाँ देता था। यकीन करे उठा, उठ के तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ ली, मेरे हाथ चूमने शुरू कर दी, कहता है कि इन हाथों से मैंने तुम्हारी, तुमसे मूलियाँ गाजरें पता नहीं क्या क्या क्यारियाँ बनवाई, घास लगवाई। एक इसमें दरमियान में ये थी कि जब मैं मियाँ वाली में था ना, तो जब मैं उससे पूछता था कि ये होगा वो होगा, तो मुझे कहता था कि यार मुझे समझ नहीं आती, तुम बिल्कुल अनपढ़ आदमी हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ कुछ है। एक ये इशारा, और एक उनका ये कहना था कि जब अगर मैं जाऊँगा ना, उसे उम्मीद थी कि मैं चला जाऊँ, मैं जब बंगाल में जाऊँगा ना और बेहतरीन तुम्हें मैं नौकरी दूंगा और घर भी दूंगा तुम्हें। तो जी ये थी वीडियो, और यकीन जाने ये लम्हात वाकई एक तारीखी लम्हात थे। और शेख मुजीबुर रहमान ने जब सजदे में गिर के ये दुआ की कि या अल्लाह मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा, तो वाकई यकीन माने के दिल को छू लेने वाले अल्फाज थे कि वो कभी भी इस हक में नहीं थे कि पाकिस्तान टूटे और बांग्लादेश बने, वो इसी के हक में थे कि उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएं। 1971 में जो इलेक्शन हुए हैं, जो मेजॉरिटी उनको मिली है उसके तहत उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और बंगालियों के जो हकूक हैं वो दे, उनकी ज़रूरियात पूरी करे, और पाकिस्तान का इक्तदार मिलने के बाद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो काम दूसरे वज़ीर आज़म ना कर सके वो करे, और पाकिस्तान में जमहूरियत को ऊपर परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने जो बातें की हैं वाकई एक सैड करने वाली बातें हैं। और जो उन्होंने बात की है उसके साथ भुट्टो के साथ कि भुट्टो आज तुम राज़ी हो, जो तुमने कहा था मैंने तो कभी नहीं चाहा था, और आज तुमने जो कहा था कि उधर तुम और इधर हम, आज तुमने कर दिखाया। बाकी इसमें गलती आप कहीं ना कहें तो कहीं ना कहीं डिक्टेटर की भी है और कहीं ना कहीं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी है। और शेख मुजीबुर रहमान के बारे में क्या कहें, उन्होंने तो कभी भी नहीं ऐसा चाहा, और नमाज के अंदर भी उन्होंने यही बात की कि या अल्लाह मैंने तो कभी भी नहीं ऐसा चाहा कि बांग्लादेश अलग बने या पाकिस्तान टूटे या उसके ऊपर इंडिया हमला करे। तो वाकई एक बहुत ज़्यादा बड़ा सानिया है, और इसको भूलने की जितनी भी कोशिश की जाए ये कभी भी हमारी ज़िंदगी से मिटेगा तो नहीं, लेकिन इसी के साथ चलना है, इसी के साथ जुड़ना है। और कभी जो हम सफ़र हुआ करते थे आज राहें जुदा हुई उनके साथ, और इख्तिताम बहुत बुरा हुआ हम दोनों मुल्कों का। और अगर ये फ़ासले ना होते तो शायद आज किस्मत और होती, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो फ़ासले थे वही हमारी दूरियों का बायस बने और वही हमारे दिलों के अंदर भी दूरियाँ बनाता चला गया। जो नफ़रत गम और गुस्सा उधर पाया गया हम लोगों को,
उनके दरमियान में जो फासला रखा गया उसको और ज़्यादा परवान चढ़ाते रहे, और जो कुछ भी हुआ, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया, उसको पाकिस्तान लाया गया, उसके बाद जब बांग्लादेश बन गया तो उसके बाद यहया को उतार के ख़ुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक्तदार पे कब्ज़ा किया, उसको जिसकी गवर्नमेंट बनती थी। और शेख साहब के एक अल्फाज मुझे बहुत याद आएंगे जब तक मैं वीडियो देखूँगा कि टीवी और रेडियो मुझे दे दो और मैं अभी ऐलान करता हूँ कुछ भी नहीं होगा, कल वैसा ही पाकिस्तान होगा वो बांग्लादेश। तो अगर शायद उनके हाथ में कुछ होता तो वो ज़रूर कर लेते, और अगर हो जाता तो ये बहुत देर हो चुकी थी, वापसी का कोई मंजिल बची नहीं थी, और इसके बाद फैसला मंजिल सामने थी क्या है। और जो भी हुआ इसका बहुत अफसोस रहेगा, और अगर साथ होते तो शायद आज किस्मत कैसी होती। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक आज जो बांग्लादेश है उनके हाल पे जितना भी हो सके उनके ऊपर अपनी रहमत फरमा, और जितना भी उन लोगों ने दुख और तकलीफ़ झेली है इससे दुगनी उसको अच्छे दिन दिखा, और जितना अच्छा हो सके उनकी किस्मत बना, दुनिया में एक अच्छा मकाम, एक अच्छा नाम बना, और कभी भी फ़ख्र महसूस होगा वो बांग्लादेश जो कभी हमारे साथ हुआ करता था, आज अगर वो कामयाब है तो हमें इस चीज़ से फ़ख्र होता है कि कभी हमारे भाई हुआ करते थे। हम लोग इसी पे दिल को खुश कर लेते हैं कि ये बंगाली जो हैं वो कभी हमारे साथ हुआ करते थे, हमारे भाई हुआ करते थे, तो इसी बात पे दिल बहुत खुश हो जाता है। तो बहुत ही सैड वीडियो थी, और इतराज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा दुख भी हुआ, और जो रिकॉर्डिंग की गई वो तो सारी अभी पता नहीं किधर है, वो कौन ले गए, कौन साथ ले गए और क्या हुआ उसका। तो ये था आज का रिएक्शन जी, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।